अदालत के अंदर पंजाब के सूबाई इलेक्शन होने उसका केस जो है उसकी तमाम आर्थिक साथ रिपीट हो गई है और उसके जो कई पहलू हैं उसके ऊपर तो भाई खबर साहब आपको और रोशनी डाल देंगे। लेकिन मुख्तसर बात मैं ये करना चाहता हूँ कि तमाम कार्रवाई के अंदर चीज़ तो बातें हो गई कि इलेक्शन जो है वो सेट नीचे रखे अंदर कराना लाजमी है। इसके ऊपर कोई दो राय किसी की नहीं, कोई कानूनी उजर नहीं पेश किया गया जिसमें यह कहा गया हो कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी नहीं है। तो ये तो बात वाजे होगी। सिर्फ जो है फैसला किसके ऊपर आ गया जी कि ऐलान कौन करेगा तारीख, गवर्नर करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेंगे, सदर पाकिस्तान करेंगे, अली जफर साहब ने तीनों की अगर सिद्दीकी साहब ने जो है अपने दलाइल बड़े दलील के साथ पेश किए और ये तमाम और इवन जो गवर्नर साहब के वकील थे, इलेक्शन कमीशन साहब के वकील थे, उन्होंने कोई आईनी कानूनी बहस ये नहीं की कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होने। इसलिए ये जो अरबाब अख्तियार इस वक्त बैठे हुए हैं आप ज़हनी तौर पर ये कश्मकश छोड़ दें, आप इलेक्शन से नहीं भाग सकते, आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और किस किस्म का खौफो हरास वहाँ पर फैला हुआ है मैं सिर्फ एक उसकी मिसाल दूंगा कि किस तरीके से इस इलेक्शन से भागने की कोशिश की जा रही है। कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये लिख के भेज दिया कि जी हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं और 60 अरब रुपए मांगी है इलेक्शन कमीशन ने, तो पाकिस्तान का आइन जो एक जमहूरी इस्लामी रिपब्लिक का आइन है, इस्लामी जमहूरिया का आइन है, उस आइन की बुनियाद, उस जमहूरियत की बुनियाद इलेक्शन पे है, तो पाकिस्तान को पूरा निज़ाम हुकूमत की जो बुनियाद है वो कह रहे हैं उसके लिए हमारे पास 60 करोड़ रुपए ख़त्म हो गए, हमारे पास पैसे नहीं है। 88 वजीर बनाने के हमारे पास पैसे हैं, उनकी शाहकर्मियों के लिए हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास बैरूनी दौरों के लिए पैसे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आइन की बुनियादी ज़रूरत पैसा पूरा करने के लिए पैसे नहीं है। और ये कितनी बड़ी बदनीयती है आप घर बैठे ये समझ जाएंगे। 60 अरब रुपए एक आम इंसान को बताएं तो लगता है कि ये बहुत बाकी में बहुत बड़ी रकम मांग ली है। पहले 6 माह हर महीने जो है आदाद शुमार छाया होते हैं कि हुकूमत ये अखराजा चाहिए। पहले 6 माह में इस माली साल के यानी जुलाई से दिसंबर 2022 में वफाकी हुकूमत का 6,382 अरब रुपया खर्चा हुआ है, यानी हर महीने 1,000 अरब रुपए से ज़्यादा खर्चा हो रहा है। 60 अरब रुपए पूरे साल का जो वफाक का खर्चा है उसका 0.005% बनता है, 0.005%। आखिरी बात इसके अंदर उन्होंने कहा कि IMF का बड़ा जोर है और बड़ी जी वो कह रहे हैं बजट के ऊपर कंट्रोल है, तो बाकी मैं सोचने लग गया कि मैंने शायद वो बड़ी कंट्रोल कर रहे हो। तो आदाद शुमार जब निकाल के देखे तो पता चला कि इस साल के इस माली साल के पहले 6 माह में बनिस्बत इमरान खान का जो 6 माह के जुलाई से दिसंबर 2021 जो अरसा था उसने 1,056 अरब रुपए ज़्यादा खर्च किए इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने, 1,056 अरब रुपए ज़्यादा खर्च किए, यानी शाहकर्मियों का कोई कंट्रोल नहीं है, एक शाहाना काबीना बनी हुई है। तो जनाब इम्पोर्टेड और आपके सब हमदर्दी रखने वालों, आईन पाकिस्तान जो है वो इंशाअल्लाह ताला अदालतें भी उनके साथ खड़ी हैं, हम भी खड़े हैं, पाकिस्तान की कौम खड़ी हुई है, इलेक्शन की तरफ बुल जा रहा है, इलेक्शन की तैयारी करो, इससे बांधने का कोई रास्ता नहीं है। माँ चौधरी साहब से मैं कहूँगा वो कमेंट करते फिर लगा नहीं है उसका ये सेंसर जो है उसका जो है इलेक्शन और इसके ऊपर जारी करें।
दें कि वो तारीफ करें, और अगर आप माना साहब को नहीं करते तो फिर प्रेसिडेंट साहब को डिक्लेयर कर दें। जैसा उबैद अलाई साहब के केस में आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हलफ लें, और अगर गवर्नर हलफ नहीं लेता तो सदर साहब हलफ लेना, तो सदर साहब ने हलफ लिया था उबैद अलाई साहब का। और तीसरा आर्गूमेंट जिसके ऊपर मैंने रिक्वेस्ट की कोर्ट में भी क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसों का जो सारा है वो तो सदर साहब ने बता ही दिया, लेकिन देखिए हम दुनिया की छठी बड़ी कौन और साथ जेट की ताकत में शामिल, पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की बहुत बड़ी कुत है। ये आर्गूमेंट देना अदालत में कि हमारे पास 60 अरब रुपया भी नहीं है मिशन को देने के लिए, बहुत ही शर्तगुजी की बात है। और इस तरह की अगर हम मान्य करेंगे तो ये हुकूमत शुरू करेगी कल इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, जहाँ पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जहाँ पाकिस्तान की सिक्योरिटी मीडियस को लेकर झंडा होता है, वफाकी हुकूमत के ये आर्गूमेंट वहाँ पर कोर्ट होंगे और पाकिस्तान सिक्योरिटी हुक्मरान लाभ होंगे अगर हम इस तरह की बातें करेंगे। और जज साहब ने भी इस पर पॉलिश किया, उन्होंने कहा कि आवाज हमारे गुफ्तगू है वो बड़ी केयरफुल होनी चाहिए और इंटरनेशनली हमें अपने आप को इस तरह से बैंकक्रप्ट साबित नहीं जो है करना चाहिए। बाकी सीरीज तीसरा आर्गूमेंट उनका ये है कि नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन पक्के होने चाहिए, हम इसकी इस मोबाइल पीछे करो यार भाई, आज नेशनल असम्बली तोड़े और इंशाल्लाह अगले 24 दिन में ये इलेक्शन जो है कट्टी हो जाएंगे। सिर्फ सवाल ये है कि आप इलेक्शनों से तो भाग नहीं सकते, सिर्फ फैसला आपसे ये करना है कि आपने मुल्क में 90 दिन में इलेक्शन करा के जो मुझे बहाल रखनी है या 90 दिन से आगे जाके खत्म जाओ तब का आपने पाकिस्तान को दोबारा जो है मार्शल्ला आध्यात्मिक। तीसरा कोई सवाल इसके सामने नहीं है और इंशाल्लाह जो बुनियाद जीतेगी और 90 दिनों में इलेक्शन अदालत के सामने दो सवाल थे जो पिछले 3 सवालों से अदालत सुन रही है। पहला सवाल ये था कि क्या 90 दिन में इलेक्शन होने हैं या नहीं, उस पर अदालत ने अपने पहले ऑर्डर में पैराग्राफ 4 में बड़ा वाजे तौर पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पे इंसार करते हुए ये कह दिया है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही, तो ये वाला इशू ऑलरेडी सेटल्ड है इस कोर्ट के ऊपर। दूसरा सवाल ये आया था कि अगर 90 दिन में होने हैं तो शेड्यूल तो उसका इलेक्शन कमीशन ने देना है, लेकिन अनाउंस कौन करेगा, यानी इसका ऐलान कौन करेगा कि किस दिन इलेक्शन, उस पर आज ये चलती रही। जो 3 शिक्के हैं आइन की और कानून की उनका मैं जिक्र करता हूँ। आर्टिकल 105 और 112 है आइन का, जो कहता है कि ये जिम्मेदारी अनाउंस करने की गवर्नर की है। दूसरा आर्टिकल है 218 और 219, वो कहता है कि अगर किसी वजह से गवर्नर के पास ये गुंजाइश नहीं है वो अनाउंस करें या वो नहीं करते, तो फिर ये इलेक्शन का पूरा शेड्यूल अनाउंस करना, उसका प्रोग्राम बनाना, इलेक्शन करने, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और तीसरी शिक ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ना अनाउंस करे और गवर्नर भी अनाउंस ना करे तो सेक्शन 57 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, जो कहता है कि प्रेसिडेंट का देंगे। हमने अदालत में आज यही बहस हुई पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील और गवर्नर के वकील जो थे उन्होंने भी बड़ी बड़ी मुताबिक की अपने अपने खुशी करने की कोशिश की, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी अनाउंस कर लेगी गवर्नर पे, गवर्नर साहब के उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है। हमारा मौकफ अदालत के सामने था कि ये नहीं हो सकता कि आइन में और कानून में इलेक्शन अनाउंस ही ना हो, ये जो अगर ये जिम्मेदारी अदालत की है कि वो पता करे कि किस शख्स ने या किस इंस्टीट्यूशन ने, क्या वो गवर्नर है या इलेक्शन कमीशन है या प्रेसिडेंट है, ये ऐलान करना है, क्योंकि ऐलान करना तो है किसी ना किसी ने। अदालत ने आपकी जो जजमेंट रिजर्व की है और अदालत इंशाल्लाह फैसला करेगी उनमें से किसने ऐलान करना है, कि जिसको डिक्लेरेशन करनी है कि उन्होंने ऐलान करना है उनको फिर ऐलान करना पड़ेगा अदालत के हुक्म के मुताबिक।